نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمين يا رب العالمين كتاب الشروط صحيح بخاري حديث نمبر 2733 وقال أقيل عن الزهري قال عربة فأخبرتني عائشة

कि जब अल्लाह ताला ने ते हुम नाजिल फ़रमाया अयरुद्दू अलमशरकिन मा अन फ़कू अलामन हाजर मिन अजवा कि मुसलमान वो सब कुछ उन मुशरिकीन को वापस कर दें जो उन्होंने अपनी बीवियों पर खर्च किया है अलल वकामसलिम कवाफ़िर जो अब मुसलमान होकर हिजरत कर आई हैं उनका जो पैसा उनके शोहरों ने उनके ऊपर को खर्च किया था महर वगैरह वो उनके शोहरों को काफिर शोहरों को वापस दे दो और मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो काफिर औरतों को अपने निकाह में ना रखें नीनी करीब तबिन त अबी उमैता वबन तरबिन अलखजाई ही तो उमर रदी ने अपनी दो बीवियां करीबा बिनते अबू उमैया और जरवल खुजाई की बेटी को तलाक दे दी फतज करीब मुआवियत अबी सुफियान तो बाद में करीबा से मुआविया बिन अबू सुफियान रजियाल्लामा ने शादी कर ली ये उस वक्त मुसलमान नहीं थे अभी मुआविया जो है व तज्बरा अबू जहमिन और दूसरी को अबू जहम ने अपने निकाह में ले लिया फल्म्मा अबल कुफारा अय्यिरू बअदाई मा अनफकल मुस्लिमून अला अजवाजहिम फिर जब कुफार ने मुसलमानों को उन अखराजात को अदा करने से इनकार कर दिया जो उन्होंने अपनी बीवियों पर किए थे यानी मुसलमान तो दे रहे हैं उस औरत का कि जो मक्का से मदीना हिजरत करके आ गई है तो काफिर को कहा तुम हक मेहर लो ना वापस और ये लड़की हम वापस नहीं करेंगे जो मुसलमान होके आ गई है समझ आ रही है ना और जो काफिर औरतें गई यहां से तो मुसलमानों ने भी तो हक मेहर दिए हुए थे ना उनको तो काफिरों ने कहा कि हम तो आप लोगों को कुछ नहीं दे रहे तो फिर क्या हुआ अनजल्ला अल्लाह तला ने नाजिल फरमाया व इन फात कुम शुमारी फ आकब तुम और अगर तुम्हारी काफिर बीवियों के हक मेहर से कुछ ना मिले तो सजा के तौर पर मुआवजा कर लो मुआवजा खुद वसूल कर लो वबू मायू अदिल मुस्लिम अलामन हाजरा तम रात मिनल्कुफार और वो फिर कैसे वसूल करना था ये वो मुआवजा था जो मुसलमान कुफार में से उस शख्स को देते जिसकी बीवी हिजरत करके आ जाती फिर तुम भी कुफार को ना दो फिर तुम उस मुसलमान को दे दो जिसकी काफिरा बीवी चली गई है ताकि वो उस माल से मेहर देकर एक और शादी कर सके मन जहबू जऊ जुम्मिन मुसलिमीना माँ अन फिन सदाक नि्ला हाजर न अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जिस मुसलमान की बीवी मुतद होकर कुफार के हाथ चली जाए तो उसके अखराजात उन कुफ़ार की औरतों के हक मेहर से अदा कर दिए जाएं जो हिजरत करके आई हैं और उन्होंने किसी मुसलमान से निकाह कर लिया है वमानालमदमहाजराती इरतदत बहद ई ईमान हा और हमें नहीं मालूम कि कोई मुसलमान महाजरा औरत ईमान के बाद मरत हुई हो وبلغنا ان ابا بصير بن اسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة و یہ خبر मिली है पिछली ابو بصير رضي الله عنه ابو بصير بن اسيد الثقفي يا اسيد الثقفي जब मुसलमान महाजिर की हैसियत से माहदे की मुद्दत के दौरान सुलह उदैबिया के महदे की मुद्दत के दौरान में नबी सलिल्ल वसलम की ख़मत में आए थे फ़कतब अल्खनसर अल नबी सस अबा बसी तो अखनस बिन शराक़ ने एक तहरीर के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी वापसी का मुतालबा किया था फ़िकर अल हदीसा फिर उन्होंने पूरी हदीस ज़िक्र की सो हदीस इमाम बुखारी यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं कि इनसे ये साबित होता है कि मुसलमानों के मफाद के पेश नज़र एक मुन मदत तक के लिए कुफ़ार से सुलह करना जायज़ है और इनके दरम्यान जो शराब तय हों उन्हें लिख लेना चाहिए उन पर गवाही भी तहरीर कर ली जाए ताकि फरीकैन में से जो सुलह तोड़ना चाहे उसके खिलाफ गवाही दी जा सके बाबू शुरू तिफिलकर्द कर्ज देते वक्त शर्त तय करना

ऐसा हो जाए कि वो शख्स जो है वो एक महीने के अंदर वापस नहीं दे सका उसके को हालात माली ऐसे हो गए हैं तो फिर अगर करस कहता है कि मैं महीने की मुद्दत और बढ़ा देता हूं लेकिन अब आप मुझे देंगे आ, एक लाख की बजाय दो लाख तो ये फिर सूद हो जाएगा ये शर्त जो है ये वो शर्त है कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल अलैहि वसल्लम के खिलाफ होगी तो वो चाहे सौ शर्तें हों वो पूरी नहीं की जाएंगी هرمز عن उब्न रबियात अन अब्दर अबन हुरमुज़ अन الله صلى الله عليه وسلم अनह ज़क्र رجلا अबू हरेरा रजीलों से रिवायत है वह रसोल्ला सल्ह वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने एक आदमी का जिक्र किया बादा बनी इसराइला जिसने बनी इसराइल के किसी आदमी से सवाल किया था यानी वो खुद भी बनी इसराइली था पिछली उम्मतों का वाक़ है आई युस के वो उसको कर्ज दे दे एक हज़ार दिनार फ दफाहा मुसमन और फिर उसने एक मन मुद्दत तक के लिए उसे कर्ज दिया और ये मुकम्मल हदीस पीछे किताबुल कफाला में आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह फिर उसने वो दीनार लौटाए और कैसे अल्लाह ताला ने वो लकड़ी उस बंदे के घर पहुंचा दी जिसमें इसने वो दीनार भरे हुए थे बाबुल मुकतबी खिल्ल में शुरू तिल्ती तो खालिफु किताब अल्ला अब ये दोबारा आ रही है हदीस और पहले हम इसको पढ़ चुके हैं वही बरीरा ऱी वाली मकातब का बयान नीज़ जो शरायत, किताब अल्लाह के ख़िलाफ़ हैं वो जायज़ नहीं वक़ा जाबिरब्न अब्दिल्ल ऱीमा फ़िलम शुरू तो हम बई ना हूँ कि उनके और आकाओं के जाबिर बिन अब्दुल्ल कहते हैं कि मकातब जो है उसके और उसके आकाओं के दरमियान जो भी शराइ तय होंगी वो उनको पूरी करनी होगी मकातब भी पूरी करेगा और आका भी पूरी करेगा वक़ाल अब्न उमरा अब उमर रदी अल्लाह कुल्लू शर्तन ख़ाल फताबल्लाता मेअ शर्तन इबन उमर या उमर रदील्लामा ने फरमाया हर वो शर्त जो किताब अल्लाह के मुखालिफ हो वह बातिल है अगरचे वो सौ शर्तें क्यों ना हो قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتعيها فآتقيها فإنما الولاء لمن أعتق

यानी जो उन्होंने इनके ऊपर लगाया था कि हमें ये ये दे दो तो तुम आज़ाद हो जाओगी तो उस समय ताउन का सवाल किया आयशा नदी ने फरमाया अगर तू चाहे तो मैं तेरे मालिकान को बदले किताबत अदा कर देती हूँ लेकिन वला मेरे लिए होगी फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने आपसे उसका जिक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो वला तो उसी के लिए है जो आज़ाद करे इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया इन लोगों को क्या हो गया है जो ऐसी शर्तें आयद करते हैं जो किताब अल्लाह में नहीं है आगा रहो जिसने कोई ऐसी शर्त लगाई जिसकी बुनियाद किताब अल्लाह में नहीं है वो शर्त काबिल अतबार ही नहीं अगरचे ऐसी सौ शर्तें लगाई जाएं, बाबू माँ ये जूजु मिनल इश्तराती व सुन फ़िल इकरारी व शुरूतल्लती यारफ़ुन्नासुबैन हम व इज़ाकला मतु अला इकरार में किस किस्म की शर्त और इसना दुरुस्त है नीज़ वो शर्तें जायज हैं जो लोगों में मुतारफ हों और अगर किसी ने कहा कि मुझ पर किसी के सौ दिरहम हैं मगर एक या दो वक़ाल इब्न सीरीना रजुल करी यती अदखिल रिकाबक इब्न ओन ने इमाम इब्न सीरीन से बयान किया कि एक शख्स ने शुतरबान से कहा जो लोग अपने ऊँट किराए वग़ैरह पर देते हैं सवारी एक जगह से दूसरी जगह ले ले जाते हैं और पैसे लेते हैं तो उसने कहा कि अदखिल रिकाबक अपना ऊँट तैयार करके रखो उसकी रिकाब वगैरह बांध के रखो फ इम अर हलमा का यू मक़ा वक़ा फिर अगर मैं तेरे साथ फ़लाँ फ़लाँ दिन ना गया या ना जा सका तुमने तैयार रहना है अगर मैं ना भी गया फल का मत तो तुम्हें मैं सौ दिरहम दे दूँगा फिर भी फ़लम यखरुज और फिर वह बंदा ना गया फ़ाला श्रै हुन तो काजी श्रै के पास ये फ़ैसला आया उन्होंने कहा मन शरत अफसही तो गैर मुक्र हन फ जिस बंदे ने अपने ऊपर ख़ुद कोई शर्त डाल ली कि ये मैं करूँगा और उसको किसी ने उस पर मजबूर नहीं किया था तो फिर उसको वो पूरी करनी होगी यानी अब उसको वो सौ दिन उसको पे करने हैं वक़ाल एूब और एयूब कहते हैं अनिबन सीरीनाबन सीरीन से इ रजुलान बात आमन वक़ाला के एक आदमी ने ग्ला ख़रीदा और कहा इम आतिकल अरब्याल सबैनी वबैना कबैन कि अगर मैं तेरे पास बुध के दिन ना आऊँ अरबिया रबी जबान में वे को कहते हैं बुद्ध को तो मेरे और तेरे दरमियान कोई बै नहीं फल यजी तो वो बंदा ना आया फ़काल शराय लिलमुशतरी तो काजी शराह ने खरीदार से कहा अंत अखलफा फ़कदा अलहि के खिलाफ वर्जी तूने खुद की है फिर उन्होंने उसके खिलाफ फैसला कर दिया यानी वो बै जो है वो नल एंड वॉइड की क्योंकि उसने खुद कहा था कि अगर मैं वेंसडे तक ना पहुंचा तो फिर बै कैंसिल हो जाएगी अब अगर किसी ने कहा कि मेरे जिम्मे फलां के सौ दिरहम हैं मगर एक तो फिर उसको निन्यानवे देने होंगे और अगर कहा कि मगर दो तो फिर अट्ठानवे देने होंगे यानी ये इस्तेसना वगैरह अगर ये किताब अल्लाह और सुन्नत के तकाज़ों को पूरा करता है तो फिर ठीक है अगर तकाजे पूरे नहीं करता तो फिर ठीक नहीं है मसलन पीछे हमने राफ़े बिन खदीज रदीलानो वाली जो रिवायत पढ़ी है ना, कि हम ज़मीन किराए पर देते थे तो उसमें क्या है कि मुजारियत पर जब आप ज़मीन देते हैं तो आप दे सकते हैं लेकिन उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए कि जो मुजारे का इस्ताल करे मस आपको याद होगा यह बात बार बार हो चुकी है कि एक जमीन का टुकड़ा और कहना कि राइट साइड की पैदावार मैं लूंगा लेफ्ट साइड की तुम ले लेना अब इसमें हो सकता है राइट साइड ही ज्यादा फर्टाइल हो और लेफ्ट साइड जो है वो सेम वाली हो या बंजर हो तो फिर वो बेचारा क्या करेगा और इसी तरह से ये हो सकता है कि पूरी की पूरी लैंड उसको ठेके पर दी जाए और फिर उसके साथ एक शुरू में परसेंटेज बना ली जाए 50 50 60 40 जिस पर भी दोनों फरीकैन राज़ी हो जाएं तो फिर ये शराइ दुरुस्त हैं फिर इसी तरह से आप देखें कि बाज़ हम किसी आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने के लिए और आ, स्पर ऑफ़ द मोमेंट में डेस्प्रेशन में बाजा ऐसी बात कह जाते हैं कि जो बाद में हमारे गले पड़ जाती है तो इंसान को अपनी गुफ्तु में ज़रा मोहतात रहना चाहिए यहाँ पे आप देखें कि जैसे शख्स ने ये जो गला ख़रीदने वाला है इसने कहा है कि अगर मैं तेरे पास बुद्ध के दिन ना आया तो फिर मेरे और तेरे दरमियान कोई बै नहीं तो बाद में फिर उसको हुआ है और फिर मामला जो है वो काजी तक गया है और काजी ने फिर उसके खिलाफ फैसला किया है अब इस तरह का एक वाक़ हुआ वा था कि एक बच्ची की कोई विरासत का मसला था और उसके काफ़ी गंभीर मसाइल थे तो उन मसाइल को और उस बच्ची को ज़रा थोड़ा सा यानी जैसे जिसको कहते हैं कि पेप टॉक देने के लिए या ये कि चलो तुम ही छोड़ दो और तो किसी जो फैमिली के जो मर्द थे ना उसने ये कहा कि मैं तुम्हें दिलाऊंगा इनसे तुम्हारा हिस्सा और अगर इन्होंने ना दिया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से तुम ये तुम्हारा हिस्सा पूरा करके दूंगा और उन लोगों ने कोई ना दिया वो जहाँ से उसका हक बनता था उन लोगों ने कोई ना दिया तो ये फिर कितना अरसा फिर ये कहती रही कि फिर अब दें मुझे अपने जायदाद में से जब मुझे कहा था उस वक्त ये और मैं उनके ये कहने पे चुप कर गई थी फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो वैसे ही कह दिया था तो अगर ये चीजें काज़ियों के पास चली जाएँ काज़ी शुरा के पास चली जाएँ तो हो सकता है काज़ी शुरय उस बच्ची को कुछ न कुछ दिलवा भी देते तो लिहाजा ये जो शर्तें हैं ये भी सोच समझ के और इमोशनल हो के नहीं और ऐसे के इंसान को बाद में पछताना पड़े قال 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 حدثنا حدثنا اليماني شعيب الزنادي عن अब عن कौल अखबराना رضي الله عنه अनिल رسول الله صلى الله عليه وسلم قال अबू हरेरा से रिवायत है कि रसोलम ने फरमाया सुबह के कितने नाम है नन्दानवे यानी सौ में से एक कम में आतान वाहिदन सौ मगर एक सौ बनते हैं लेकिन बनते बनते रह गए हैं एक है माइनस मन अहसाह दखल जिसने इनको याद किया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा अब अगर आपको इमाम बुखारी का मिजाज ना पता हो तो आप का सर घूम जाएगा ये सोचते सोचते कि किताब शुरूत में ये हदीस क्यों आई है लेकिन दरअसल इमाम बुखारी साबित ये कर रहे हैं कि इसना जायज़ है एग्जेपन शुरूत में जायज़ है मसलन को ये कह सकता है कि मेरा ये ये माल मेरे सारा मेरा घर का सारा माल फॉर सेल है आएँ और आके चीज़ें खरीद लें जो लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं वगैरह वो आते हैं फिर उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ उनको इमोशनल अटैचमेंट है कोई प्लेट कोई कांटा कोई चम्मच छोटी सी वो चीज़ होती है उसको वो इस्तना कर देते हैं वो कहते हैं नहीं ये नहीं मैंने बेचना तो इस तरह के इस्तना जो हैं उनकी एक हदीस से मिसाल लाए हैं इमाम बुखारी जो नबी सल्ला वसलम ने मेता अल्ला वाहिदन फ़रमाया है बहरहाल असमाय हुसन जो है वो इन्फिनेट हैं और नन्ानवे की यहाँ पर जो बात है उससे मुराद यही ली गई है कि एटलीस्ट इंसान को अपने रब की इन नन्यानवे नामों से तो मार्फत होनी चाहिए ये नन्यानवे नाम किसी भी सही हदीस में सारे मौजूद नहीं हैं एक ज़यीफ़ हदीस में है वही जो तरतीब एक आपको मिलती है एक मशहूर उसके अलावा कराम ने जिनमें शेख हुसैम भी हैं और मुतकदमीन भी हैं बाद वाले भी हैं कि उन्होंने अपनी अपनी निन्यावे नामों की एक लिस्ट जो है वो तैयार की है कुरान सुन्नत से जितनी जितनी आपको अल्लाह सुबहान की और अल्लाह सुबहान नामों की मार्फत होगी उतना ही ज़्यादा आप अपना कुर्ब अल्लाह ताली के यहाँ महसूस करेंगे उतना ही ज्यादा आप अल्लाह ताली से सरगोशियाँ कर सकेंगे उसकी आप देखें आप जिस जिस तरीके से किसी इंसान की पर्सनैलिटी को जानते होते हैं जितना ज़्यादा उतना आपको पता होता है कि इससे क्या बात की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती तो जितना जितना आप अपने रब को जानेंगे उसके ज़ाती और सफ़ाती नामों के ज़रिए से उतना उतना आप उसको पुकारने में खूब खूब आप इन्जॉय करेंगे उसको पुकारना और ख़ूब सुकून महसूस करेंगे बाबू बाबरूति फ़िल्वफ़ वक्फ़ वक्फ़ में शर्तें लगाना आप कोई चीज़ वक्फ़ करते हैं आप कोई ट्रस्ट बनाते हैं तो उसकी बाकायदा डीट साइन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं और फिर उसमें शुरुत होती हैं मसला एक घर किसी ने ट्रस्ट बनाया तो उसकी शुरूत में से ये था कि इसको रिहायशी परपज़ के लिए अब कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा और वो एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए ये शर्त रखी गई उसके बाद अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ी है कि वहाँ पर एक रूम कोई एक रात के लिए किसी गेस्ट को ठहराया जा सके तो वह नहीं फिर ठहरा सकते अब क्योंकि उन्होंने उसके अंदर ये एक शर्त रखी हुई है तो वक्फ की शर्तें भी जरूरी होती हैं और जितना ज्यादा उन शर्तों को जरा प्रैक्टिकल रखा जाएगा उतनी ही ज्यादा वो वक्फ जो है वो कारामत होंगे قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن عون قال انباني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر फ़अन नबी सूफी हा इन सहाबा की जो जेनरसिटी है ना हम तो उसको सोच ही नहीं सकते इबन उमर रदी लानुमा से रिवायत है कि उमर बिन ख़त रदी लानों को खैबर में कितए ज़मीन मिला फर्टाइल तरीन लैंड फर्टाइल तरीन लैंड तो वो उसके मुतल मशवरा करने के लिए नबी सल वसम की खदमत में हाजिर हुए फ़कला तो अर्ज की या अल्लाह ए अल्लाह के रसूल इन्नी असब तो अरदन बी खैबर मुझे खैबर में ज़मीन का एक टुकड़ा मिला है ये फ़तेह खैबर के बाद लम उसे मालन कत्तू अन फ़सा इन मेरे पास या मेरे नज़दीक इससे नफीसतर माल मैंने कभी नहीं पाया इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर ओन्ड और ये भी कहा जाता है कि जब यह आयत उतरी थी ना लन तनाल राहत ताकु ममहा तो तो उस वक्त उमर रदील तु यह खैबर का टुकड़ा देने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करने के लिए आए कि मैं क्या करूँ इसका फमा त मुरनी भी। तो आप मुझे इसके बारे में क्या हुक्म देते हैं कला फरमाया इनशा हबस्त असलह वहा अगर चाहो तो असल ज़मीन अपनी मिल्कियत में ही रखो और उसकी पैदावार को सदका कर दो तो ये पहला ट्रस्ट है जो इस्लाम में बना है खाला फ़तस्द कबीआ उमर अनुलाऊ वला यू हबू वला यू रसू तो फिर उमर रदीलानों ने ट्रस्ट बनाया किन शरात के साथ कि इस ज़मीन को सदका कर दिया कि ना उसे फ़रोख्त किया जाएगा ना उसे हिबा किया जाएगा और ना ही इसमें विरासत चलेगी ये बिक भी नहीं सकता ये किसी को गिफ्ट भी नहीं हो सकता और ये मेरे औलाद में विरासत में तकसीम भी नहीं हो सकता सो so बेसिकली जो वक्फ़ होता है ना उसकी ये शरात होती हैं व तसद कबी फिलफ़रा वफ़िलबा वफ़िली वफ़ी सबील वबन सबीली वैफ़ सुबहानल्ला फिर आप देखें कि उस चीज़ सारी की नेकी और उस सारी चीज़ की जो एक यानी उसके इफेक्ट्स हैं पॉजिटिव वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं कि उसके ज़रिए से सदक़ दिए जाते थे फ़रा को रिश्तेदारों को ग़ुलामों की आज़ादी में और फी सभी तैयारी में और इसी तरह से मुसाफिर को और मेहमानों को हज़रत उमर के बाद ये जो वक्फ़ है ये हज़रत उमर के उसमें रहा है आ, उनकी कस्टडी में रहा है और वो यही मसारफ़ वो रखते थे और मक्का से आने वाले या इधर उधर से आने वाले कोई रिश्तेदारों और मेहमानों को इसमें से गिफ्ट भी करते और कितनी खैर निकलती होगी ना इससे ला जुना अला मन वलिया अं कुल मिन्हा बिलमूफ़ व्युत इम गतमविल नीज़ जो उसका इंतज़ाम और इंसराफ करे वो वर्ूफ तरीक़े के मुताबिक ख़ुद खाए यानी कोई पे वग़ैरह लेना चाहे तो वह इसी की इनकम से पे ले सकता है और दूसरों खुद खाए और दूसरों को खिलाए तो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं होगा लेकिन उसका खुद खाना और दूसरों का खिलाना माल जमा करने के लिए ना हो ठीक है कला फ़हद दस्त इबन सीरीन फ़क़ा लगैरा मुतासिल मालन रावी हदीस इब्न कहते हैं कि जब मैंने इस हदीस का जिक्र इबिन सीरीन से किया तो उन्होंने फरमाया कि मुतवली इसमें से माल जमा करने का इरादा ना रखता हो यानी वक्फ का जो माल आता है ना उसको खर्च कर देना चाहिए लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ईयरली इनकम है तो कोशिश करें कि बस उस ईयर के अंदर आप दे दें जिस काम के लिए वो बना है बाज़ात ये ट्रस्ट होते हैं ये इतने अमीर हो जाते हैं इनके पास इतना पैसा होता है और ये लगाते नहीं हैं और वो पड़ा रहता है तो इसके लिए जो पैसा है वो लगाना ज़रूरी होता है और आइंदा एकवान में इमाम बुखारी ने वक्फ़ के हवाले से येवान भी कायम किया है कि बाबुन हल तफ़ी ववाफ़ु भी वक्फ़ी ही क्या वक्फ़ करने वाला अपने वक्फ़ से ख़ुद भी फ़ायदा उठा सकता है तो इसमें ये शुबा नहीं करना चाहिए कि वक्फ़ करने वाले का अपने वक्फ़ से फ़ायदा उठाना ऐसा है गोया अपने सदके से ख़ुद उसने फ़ायदा उठाया है तो इसमें शुबह की कोई हैसियत नहीं वो जमा ना करे लेकिन वो बवक्ते जरूरत पे के तौर पर या अपनी ख़िदमत का इवज उधर से ले भी सकता है किताबुल वसाया वसीयत वसीयत कहते हैं किसी अहम मामले में ताक़ीदी हुक्म देना जैसा कि अल्लाह सुबहान ने सूरा नसा आया वन थर्टी वन में फ़रमाया वल़द वसैन من قبلكم अमिन कबली تتقوا الله. और बेशक हमने ताक़ीदी हुकम दिया उन लोगों को जिनको किताब दी गई तुमसे पहले और तुम्हें भी कि क्या करो अल्लाह अल्ला इख्तियार करो तो ये है वसीयत यानी ताक़ीदी हुक्म और फ़कहा की अतलाह में वसीयत कहते हैं कि अपने मरने के बाद अपने माल में किसी किस्म के तसरफ या किसी किस्म की कोई नसीहत कि फ़लाँ चीज़ का ख्याल रखना फ़लाँ बहन का ख्याल रखना फ़लाँ इंसान का ख्याल रखना फ़लाँ मुलाजिम को ये दे देना ठीक है तो ये सब जो है ये वसीयत कहलाता है और वसाया वसीयत ही की जमा है तो लिहाजा ताकीद करना और जानशीन बनाना दो मानी फिर हुए ताकीदी हुक्म देना या जानशीन बनाना मेरे बाद फलां का ख्याल रखना और जो वसीयत है उसका दरअसल मदार हसूल सवाब और एहसान पर होता है वसीयत करने वाला मूसी कहलाता है जिसके लिए वसीयत की जाए उसको मूसी लहू कहते हैं और जिसको किसी के लिए वसीयत की जाए उसको वसी कहा जाता है माँ दुनिया से जा रही है माँ के बच्चे हैं माँ बेटे को वसीयत करती है तो माँ है मूसी और वसीयत कर रही है कि मेरी फलां गरीब दोस्त का ख्याल रखना तो वो जो गरीब दोस्त है उसके लिए जिसको वसीयत की जा रही है वो वसी है वो बेटा वसी है ठीक है मूसी माँ मूसी लहू गरीब दोस्त और वसी बेटा तो वसी की हैसियत एक अमीन किसी होती है इसलिए जब उसके पास मरने वाले का माल जायदाद आ जाता है तो उसको इसी तरह उसको इस्तेमाल करना है या बांटना है जिस तरह से कि उसको वसीयत की गई है शरण वसीयत को तीन लघवी मानों में इस्तेमाल किया जाता है नंबर एक किसी को अच्छे काम करने और बुरे काम छोड़ने की ताकीद करना इसे अखलाकी वसीयत कहा जाता है नंबर दो किसी को अपनी जिंदगी ही में अपने मरने के बाद किसी काम की जिम्मेदारी सौंपना इसे माशरती वसीयत कहा जाता है नंबर तीन किसी गैर वारिस को अपनी जायदाद से एक तहाई या उससे कम की हदायतों तकीद कर जाना इसे माली वसीयत कहा जाता है और ये जो सही बुखारी किताबुल वसाया है ये इसी तीसरी किस्म यानी माली वसीयत के आ, साथ रिलेटेड है माली वसीयत में एक की तरफ से माल दूसरे को इंतकाल होता है ये इंतकाल मिलकियत होती है इब्तदाय इस्लाम में वसीयत अलैकुम फ़र्सी खुतब इज़ाद राहदकुम इतरा का ख़ैरनवसियतवादीक़रबीन على المتقين तुम्हारे ऊपर वसीयत फर्ज कर दी गई है कि जब में से किसी को मौत आ हाजिर हो और वो माल छोड़ के जा रहा हो तो फिर अपने वालदेन और अपने अक्रबा के लिए वसीयत करके जाए ये फर्ज है मुत्तकीन पर और फिर आगे क्या है फमम बददलहू बदमा जिसने उस वसीयत को सुनने के बाद बदल दिया तो उसका गुनाह उसके ऊपर है और अलबत् अगर किसी ने कोई गलत वसीयत कर दी कोई बहुत ही किसी वारिस को या किसी को आ, महरूम करने के लिए या जैसे होता है कि कुत्ते के नाम इतना कुछ छोड़ दिया या ये कि वरसा के लिए कुछ भी ना छोड़ा और सारा कुछ चैरिटी को दे गए आप देखें कि जिन जहां ये इस्लामी कवानी नहीं है वहां मैंने कहीं पढ़ा था कि बिल गेट्स ने अपने बच्चों को कुछ नहीं देने की वसीयत की और उसने हर चीज़ जो है वो चैरिटी में देने के कर दिए तो ये हमारा दीन ये नहीं सिखाता हमारा दिन तो ये सिखाता है कि जो कुछ भी तुम अपने औलाद के और अपने बाल बच्चों के भी मुंह में डालोगे वो भी तुम्हारे लिए सदका है तो लिहाजा इसमें इतदाल होना चाहिए बहरहाल इब्तदाई इस्लाम में वसीयत फ़र्ज थी क्योंकि दौर जाहिलियत में विरासत उन मर्दों को मिलती जो जंग में जाने के काबिल होते बूढ़ों बच्चों औरतों यतीमों और बेवाओं को तरके से कुछ नहीं मिलता था तो कुरान करीम ने हुक्म दिया कि मरने वाला अपने वाले देन, यतीमों बेवाओं और अपने गरीब रिश्तेदारों को कुछ देने की वसीयत ज़रूर करे फिर यह है कि मरने वाले के पहले जो है ना उसके तजीज़ो तकफीन उसके अखराजात जो है वो सारे उसके माल के अंदर से निकाले जाएंगे ये नहीं होगा कि पहले ही वसीयतें वगैरह पूरी कर दी जाएं और उसका आ, कफन दफन भी ना हो सके तो अवलीन जो तरीका है ना कफ़न दफन का वो ये है कि उसके अपने माल ही में से उसका कफन दिया जाए ये अभी हक है उसका अपने माल में ठीक है और उसके बाद कुछ बचता है तो फिर आ, कुरान में तो आ, वसीयत का पहले जिक्र है और दैन का लेकिन प्रैक्टिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दैन पहले अदा करवाया है और वसीयत बाद में इसलिए कि दैन वाला तो ख़ुद आके हाज़िर हो जाता है लेने के लिए और वसीयत वाले को तो पता भी नहीं कि उसके हक में कोई वसीयत की गई है या नहीं की गई यही हो सकता है उसको ना पता हो बहरहाल लेकिन कर्ज जो है उसकी अदायगी प्रैक्टिकली पहले होती है और वसीयत को बाद में नाफिमल लाया जाता है फिर इंसान को अपने माल या जायदाद से एक तहाई तक की वसीयत का हक है इससे ज्यादा का हक ही नहीं है उसको अगर कोई इससे ज़्यादा की वसीयत करता है तो एक तहाई के अंदर ही कोई कहता है मेरा टू थर्ड दे दें फिर नहीं टू थर्ड नहीं दिया जाएगा फिर वन थर्ड दिया जाएगा और उसी में उसकी वसीयत पूरी की जाएगी क्योंकि इससे ज्यादा की वसीयत में वो रसा की हक तलफी है हाँ अलबत् अगर वह रसा इजाजत दे दें वो इतने इंडिपेंडेंट और इतने एफ्लुएंट हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता तो वो कहते हैं हमारी वालदा का जो कुछ था जो वो कह गई हैं कर दें हमें कुछ नहीं चाहिए तो फिर ठीक है फिर दे दें फिर एक और शर्त यह है कि जिसके हक में वसीयत की गई हो वो शर्यी तौर पर मैत के तरके का वारिस ना हो वो वसीयत उसके लिए की जा सकती है कि जो वारिस ना हो आगे अदीस आएंगी इसकी ला वसीयत लिल वारिस यानी किसी के दो बेटे हैं तो वो एक को कुछ वसीयत में भी दे जाए एक्स्ट्रा तो ये वसीयत जो है ये जायज़ नहीं है फिर यह भी कि वसीयत किसी नाजायज़ काम के लिए ना हो अगर नाजायज़ काम के लिए कोई वसीयत कर गया तो वह फिर उसकी पूरी नहीं की जाएगी मसलन कोई कहे मुझे रेशमी कफ़न में दफ़न करना या मेरी कबर को पुख्ता बनाना या धूमधाम से बाद में मेरी कबरों के ऊपर वो मज़ार और कुब्बे और वो कलर टाइलें लगाना तो इस सूरत में वसीयत पर अमल नहीं होगा कोई ऐसी वसीयत जिससे वरसा की हक तल्फी हो रही हो बा कुछ लोग होते हैं कि खास तौर पर जिनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा होता तो करते 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 ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि वो उचाट हो जाते हैं अपने बहन भाइयों से और बहन भाई उनके वारिस होते हैं कलाला का जो वारिस है वो उसके बहन और भाई हैं तो आ, वो अपनी ज़िंदगी में ही हर चीज़ चैरिटी कर जाए या किसी और को वसीयत कर जाए या दे जाए इसलिए कि मेरे मरने के बाद मेरे इन बहन भाइयों को ना मिले तो इस तरह की वसीयत जो है ये भी नाजायज़ है और कलदम होगी अगर वो वसीयत कर गया है तो फिर वो वन थर्ड दे दिया जाएगा बाकी टू थर्ड उसके भाई बहनों को दिया जाएगा वो कल अदम होगी उसको नल एनवॉइड किया जाएगा और अगर कोई शख्स नाजायज़ वसीयत करता है तो घर वालों का वसा का या किसी अक्लमंद इंसान का किसी स्कॉलर का जिसके पास वो केस आए तो उसका फ़र्ज़ है कि वो उस वसीयत की असलाह कर दे जैसा कि

उसके बरक्स अगर कोई बच्चा या पागल मजनून वसीयत करेगा तो बेकार होगी इसी तरह जब तक वसीयत करने वाला जिंदा है उसे अपनी वसीयत से रजू कर लेने का हक भी बाकी है अगर किसी ने जबान से रजू नहीं किया मगर उसने कोई ऐसा तर्ज अमल इख्तियार किया जिससे साबित हो कि उसने रजू कर लिया है तो भी वसीयत को कलदम किया जा सकता है लेकिन फिर वो साबित प्रॉपर होना भी चाहिए कहते हैं के वसीयत में पांच तरह के अहम जारी हो सकते हैं नंबर एक ऐसी वसीयत जिसको पूरा करना वाजिब हो नंबर दो जिसको पूरा करना हराम हो नंबर तीन जिसको पूरा करना मुस्तहब हो नंबर चार मकरू हो नंबर पांच, मुबाह हो यानी बेसिकली वही जो हर हुक्म में एक डिवीजन है वो वसीयत में भी बाज़कात आ जाती है उल्मा में से बाज़ जो हैं वो विरासत की आयात अभी हमने पढ़ा ना कि विरासत की आयात आ जाने के बाद ये जो हुक्म था वसीयत का ये चॉइस हो गई ठीक है उससे पहले वाजिब था लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि विरासत की आयत आ जाने के बाद ये हुक्म मस्तब तो हुआ वजूब से हटा लेकिन ताक़ीद उस पहली वाली आयत में बकरा की वन में इतनी ज़्यादा है कुतुब आलकुम इज़ा हदकुमुलमऊत इनतरा للوالدين ख़ैरनवादीन بالمعروف बबिलूफ़ हक़न المتقين तो वो कहते हैं कि इसमें आपको तीन ताक़ीदें मिल रही हैं कुतबा हक्कन और अल-मुत्तकीन। तो कहते हैं कि जो इंसान बहुत माल छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए हम कहेंगे कि वो फिर भी अपने ऊपर कुछ वाजिब ही रखे कि वो वसीयत करके जाए किसी गैर वारिस के लिए किसी जिंदगी भर के खादिम के लिए किसी दोस्त के लिए किसी इदारे के लिए जो बेहतर काम कर रहा हो नेकी का काम कर रहा हो तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर वो करके जाए बहरहाल हाल फिर भी फिर भी अगर वो नहीं करता तो वो गुनागार नहीं होगा जमहूर यही कहते हैं कि ये अब विरासत की आयात आ जाने के बाद ये वाजिब नहीं है लेकिन इसकी अच्छाई मौजूद है इसकी पसंदीदगी कि इंसान अपने माल में से कुछ अपनी वसीयत करके जाए गैर वारिस के लिए भी अच्छा फिर यह है कि शेख बास अहदी शुरू करने से पहले ना हम थोड़ी सी इसकी ज़रा देख लें एक बड़ी ख़ूबसूरत बात मुझे मिली तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं कि उनसे पूछा गया शेख इबन बाज रहा से क्या वसीयत को लिखना वाजिब है या ज़बानी भी वसीयत की जा सकती है तो उन्होंने कहा कि वसीयत जो है वो लिखनी चाहिए अलबत् अगर कोई गवाहों के दरमियान या इस तरह से कोई किसी को कोई ताकीदी हुक्म ज़बानी भी दे जाए ना तो उसको भी वसीयत का लेवल दिया जाता है लेकिन अगर किसी ने कोई माली वसीयत करनी है और उसको इतना वो बनाना है यानी कि वो ज़रूर उसका इतलाक़ हो उसके जाने के बाद तो उसको चाहिए कि वो लिखे और वह क्या लिखे अनाफलान बिनफ़लिन मैं अव फ़लॉँता बिन तफ़लान मैं फ़लाँ बिन फलाँ हूँ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور يعني پہلے اپنے پورے عقیدے کی اصلاح کا اقرار کرے. और फिर वो लिखे कि मैं ये वसीयत करता हूँ कि मैं अपने फलां फलां अकारब के लिए मैं उन्हें अल्लाह का तकवा आपस के तलक़ात की असलाह और अल्लाह और उसके रसूल की इतात और हक और सबर की ताकीद करता हूँ बात कहने की और मैं ये ताक़ीद करता हूँ कि जो इब्राहीम ने और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की थी या बनाया अनफ़ा लकमुद्दीन फ़ला तमोतना तुम मुस्लिम और फिर उसके बाद वो ये कहे कि मैं ये रगबत रखता हूँ कि मैं अपने माल में से एक तहाई या जितना भी या फला माल मैं उसको वसीयत में दाखिल करता हूँ और ये मेरा माल जो है ये फला फ़ला को इतना इतना इस इस तरह से बांट दिया जाए इंतहाई खूबसूरत एक अंदाज है बहरहाल ये कोई ये नहीं है कि कोई इस तरह नहीं लिखेगा तो उसकी वसीयत जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी एडमिसिबल वो फिर भी होगी अब हम अदीस देख लेते हैं कुछ वक़ोल नबी सरजुल मकतूबुल इंदू इर्शाद नबवी है आदमी की वसीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए यानी अगर आपकी नीयत है ना कि आपने कोई वसीयत करनी है तो फिर उसको डिले ना करें आपको क्या पता कब इंसान का वक्त आ जाए वक़ाल अल्लाज्लातबादरावसियतवाल जनफन जनफन मिलन मतजानफ मुतमय इरशाद नबी सल्ह वसम है आदमी की वसीयत उसके पास लिखी होनी चाहिए फरमाने इलाही है तुम पर फ़र्ज़ किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आए अगर वो माल छोड़ जाए तो वालदे और करीबी रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे ये तकवा शुार लोगों पर वाजिब हक़ है जो कोई उसे सुनने के बाद उसे तब्दील कर दे तो उसका गुनाह उन लोगों पर है जो उसे तब्दील करते हैं यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला खूब जानने वाला है जो कोई वसीयत करने वाले की तरफ से जानबदारी का ख़तरा महसूस करे तो फिर वो आगे हम पढ़ चुके हैं पीछे आयत पढ़ आए हैं कि फिर वो असलाह कर दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं और यहाँ पर जानबदारी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है जनफन और जनफन के मानी किसी की तरफ मैलान होने के हैं और मुतजानफन के मानी माइल होने वाले के हैं अब इस आयत के मुताबिक इब्तदाई इस्लाम में वसीयत करना फ़र्ज था के उसके पास काबिल वसीयत माल मौजूद हो फिर के लिए इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया जैसा कि हदीस में है कि अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक़ दे दिया है लिहाजा अब वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं ये सुनन इबन माजा की हदीस नंबर टू सेवन वन टू है लेकिन जिसके लिए मीरास में हिस्सा नहीं उसके हक में वसीयत करने का हुक्म ठीक उसी तरह बरकरार है जैसा कि पहले था लेकिन हदीस के अल्फाज को मद्देनज़र नज़र रखा जाएगा और वो क्या है कि वो वसीयत करना चाहता हो यानी वजूब ख़त्म हो गया लेकिन मुस्तहब है अच्छी बात है और एक जो रोजान बेहतर है जो रखना चाहिए वो ये है कि अमानत और कर्ज वगैरह और इन हकूक से वसीयत के अलावा छुटकारा हासिल करना भी मुमकिन ना हो और उसके पास माल भी हो जिसमें ये शरायत ना पाई जाए उसके लिए वसीयत करना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है अलबत्ता जिस शख्स के पास लोगों की अमानतें पड़ी हों और जो लोगों का मकरूज हो तो उस पर वाजिब है कि वो अपने बच्चों को बता के जाए कि ये फलां फलां चीज अमानत है और ये फ़लाँ फलाँ को मेरे बाद पहुंचा देनी है इसीलिए बाज़ लोग जो जैसे ट्रेगरर्स होते हैं ना किसी भी इदारे के या इस तरह तो उनको बाज लोग लफाफों में कोई रकम या ऐसी कोई चीज़ पकड़ा देते हैं तो बहुत अहतमाल होता है इस वक्त बहुत एहतियात की इसमें ज़रूरत होती है कि इंसान भूल जाए कि मुझे ये पैसे किसने दिए थे कब दिए कहाँ दिए कई दफ़ा बात याद नहीं रहती तो आ, उसमें यह किया जा सकता है कि आपको जब भी कोई कोई दे चीज़ तो उसका अपने पर्स में कलहदा खाना बनाएं उसके ऊपर उसी वक्त लिखें किसने दिए किस, किस पर्पज़ के लिए दिए कब दिए और फिर उसको अपनी जेब में डालें वरना उसको पकड़ने से भी इनकार कर दें इंसान किस वक्त दुनिया से चला जाए और किसी का माल किसी की जकवात उसके बैग में उसके कहीं किसी पर्स में कहीं ना कहीं पड़ी हो तो हमें क्या फ़ायदा हुआ फिर قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيرويه كي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرميا किसी मुसलमान के लिए ये लाइक नहीं कि वो अपनी किसी चीज़ में वसीयत करना चाहता हो मगर दो रातें भी इस हालत में गुजारे कि उसके पास वसीयत तहरीरी शक्ल में मौजूद ना हो इरादा है नीयत है तो उसको फिर पूरा करें और दो रातों के अंदर अंदर उसको लिख छोड़ें हो सकता है आप उसको बाद कुछ अरसे के बाद आप उसको चेंज कर रहे हो बट डजेंट मैटर लेकिन वसीयत जो है वही चीज़ है ना कि जो आप एंड में कहते हैं मेनली इसके अंदर एक ये चीज़ भी है ठीक है ये हमें आगे एक हदीस से पता चल रहा है इंसान को फिर देर नहीं करनी चाहिए हमें क्या पता हमारी जिंदगी का एंड किस वक्त हो जाए ताब आहू मोहम्मद अब्न मुस्लिम अन अन इबन उमर अन नबी इमाम मुस्लिम ने इबन उमर का ये फरमान भी नकल किया है कि जब से रसूल अल्लाह रसोल्ला को ये कहते हुए सुना कि मैंने एक रात भी ऐसी नहीं गुजारी कि मेरे पास वसीयत ना हो यानी جب سے ميلي نا النبي صلى الله عليه وسلم كفرمان فرمان، تو مي تو هميشاً ايك رات بھی نہیں کہ میرے پاس ہوتی ہے قال حدثنا إبراهيم بن الحارث. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير. قال حدثنا زهير بن معاوية الجوفي. قال حدثنا أبو إسحاق عن أمر بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى جوئريه بنت الحارث. قال أمر بن حارث जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले लगते हैं ससुराली रिश्तेदार हैं किस तरह जवेरिया बिन तल हारिस उम्मिल्मीन रजी अल्ला के भाई हैं कौला वो कहते हैं माँ तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ा रसूल सल्हस ने इन दम ती अपनी मौत के वक्त दर हमन वाला कोई न दिरहम न दीनार वला अबदन वला अमतन, ना कोई गुलाम ना कोई लॉन्डी वला शैन और ना ही कोई चीज़ इल्ला बगलतहुल दाअ सफ़ेद आपका एक खच्चर और आपके वथियार व अर्दन जालहा सदक़ा और कुछ ज़मीन छोड़ी जिसे आपने सदका कर दिया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो ज़मीन सदक़ा की थी वो भी आपकी खैबर वाली ही ज़मीन थी और इसकी वजाहत सही बुखारी ही में किताबुल जहाद में आती है और एक दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पैदावार को मुसाफिरों के लिए वक्फ़ किया था ये सही बुखारी किताबुल मग़ाज़ी की हदीस में हमें पता चलेगा और वक्फ़ का असर भी वसीयत की तरह मरने के बाद जारी रहता है इसलिए वक्फ़ को भी वसीयत के तहत जिक्र किया है ठीक है वक्फ़ जो है वो वसीयत की तरह ही की हैसियत रखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहरहाल हाल ऐसा कोई तरक़ा था भी नहीं जो काबिल वसीयत हो तो आयशा रदीलाहा फ़रमाती हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात के वक्त ना कोई दीनार ना कोई ऊंट बकरी छोड़ी और ना आपने किसी किस्म की माली वसीयत ही फ़रमाई ये सही मुस्लिम की हदीस है तो रसोल्ला वसल्लम के पास जब वक्त वफ़ात माल था ही कोई नहीं तो तोहिर है कि फिर वसीयत नहीं की आपने अलबत् किताबुल्लाह के इतबा के मुतालिक ज़रूर वसीयत फ़रमाई रसोल्ला सल्ह वसल्लम ने अपने वक्त वफात क्या क्या वसीयतें फरमाई नंबर एक आप सल्ला वसलम ने अनसार के साथ एहसान की वसीियत फ़रमाई उनके साथ खैर की इसलिए कि वो मोसिन थे अहिल ईमान के फिर इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई के किताब अल्लाह को मजबूती से थामे रखना तमस्सुख अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई क़ब्रों को मस्जिदें बनाने की मना की यानी मना किया ठीक है बनाने की नहीं नज़ुबिल्ला मना करने की लान अल्लाहू اليهود والنساره اتخذوا قبور انبيائهم مساجد यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त वफात फरमाया है फिर हुस्नु الظن بالله की वसीयत फरमाई साहा फरमाते हैं कि अपनी मौत से तीन दिन कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला يموت الانسان الا وهو يحسن الظن بربه किसी इंसान को मौत ना आए मगर ये कि वो अपने नब्जा जल अल्लाह अज्जा वजल के साथ हुसन जन रखता हो मायूसी में ना जाए दुनिया से फिर इसी तरह से औरतों के साथ अच्छे सलूक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई फिर आप बकरानों को वसीयत फरमाई कि वो नमाज पढ़ाएं आप अलैहि वसल्लम के मर्जुल मौत में सो अलैहि वसल्लम की ये तमाम जो वसीयतें हैं और सलात की भी थी अला और इतल फ़ीमा मलकत अमानकुम नमाज की पाबंदी और अपने मिलके यमीन ये सबॉर्डिनेट्स अपने मुलाज़मीन, उनके हकूक़ की पासदारी की भी वसीयत फरमाई तो ये थी हमारे नबी करीम सल्हसम की वसीतें सुबहानल्ला जिसके पास जो होता है आपके पास यही ख़जाने थे और आपने लुटाए जिसके पास जो ख़जाने हैं वो उसी में से देगा तो दुनियावी जो चीज़ें हैं तो वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूँ ही आपके पास आती थी आप जानते हैं आप कुछ भी अपने पास रोक के रखते ही नहीं थे क़ालह قال حدثنا अब्न بن مصرف قال मालिकन عبد الله بن क़ालह दसना رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم अवसा तलहा बिन मुशर्रफ़ से रिवायत है वो कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन नबी आऊफ़ा रदीन से दरियाफ़्त किया कि क्या नबी वसल्लम ने किसी चीज़ की वसीयत की थी फ़कॅ ला तो उन्होंने कहा नहीं फ़कुल तु तो मैंने कहा कई फ़कुतब नासिल वसीयतू अमेरू बिलवसी तो फिर लोगों को वसीयत करने का क्यों हुक्म दिया गया है लोगों पर क्यों फ़र्ज़ कर दी गई वसीयत करनी काला उन्होंने कहा अवसा भी किताब अल्लाह आप अलैहि वसल्लम ने किताब अल्लाह पर अमल पैरा रहने की ज़रूर वसीयत की थी अब्दुल्ला बिन अबी ओफ़ा का मतलब ये था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की वसीयत नहीं की क्योंकि आपने कोई माल छोड़ा ही नहीं तो तलहा बिन मुशरफ़ ने इस हुक्म कोम ख़याल किया और दोबारा सवाल किया कि फिर लोगों पर वसीियत क्यों फ़र्ज़ की गई तो फिर उन्होंने वजाहत की कि किताब अल्लाह पर अमल करने की वसीयत तो की थी इब्ने हिब्बान की रिवायत में वजाहत है कि इब्ने अबी औफा से रिवा... सवाल हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत फ़रमाई थी तो उन्होंने जवाब दिया नहीं कोई चीज़ काबिल वसीयत छोड़ी ही ना थी तो फिर सवाल हुआ कि जब आपने कोई वसीयत नहीं फरमाई तो लोगों को वसीयत करने का हुक्म क्यों दिया है तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं वसीयत दी भी थी की भी थी यानी माल ही नहीं की लेकिन किताब अल्लाह को मजबूती से पकड़ने की वसीयत तो फरमाई थी लिहाजा माल या मेरे बाद खलीफ़ा कौन होंगे उसके मुतालिक वसीयत की नफ़ी है और किताब अल्लाह को मजबूती से पकड़ने की वसीयत का इस बात है कौला हदना अमरुबन जरारत कौला अखबराना ابراهيم عن इब्राहिमा قال

कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रदीलान्हों को कब वसीयत फरमाई हालांकि आखिरी लम्हात में मैंने आपको अपने सीने से लगाया हुआ था अवकालत हजरी या फरमाया मैं उन्हें अपनी गोद में रखे हुए थी फद तस्ती और आपने पानी का तश्त मंगवाया फ़लक दिन खन सफ़ी हजरी और फिर आप ठंडे हो गए आपका सर मुबारक मेरी झोली में झुक गया फमाशारत अन्हु कदमाता और मुझे पता भी ना चला कि आप वफ़ात पा चुके हैं फमता औसा इलेही तो आपने हज़रतली के लिए या हज़रतली को कोई वसीत कब फरमाई यानी इससे ये पता चलता है कि वसीयत वो चीज़ होगी कि जो इंसान अपने एंड में करता है और ये कुछ लोगों ने बेसिकली प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि अली को वसी बनाया और ख़लीफा मुकर किया तो उसकी तरदीद की और इस चीज़ की तरदीद ख़ुद हज़रत अली ने भी की हुई है वो फरमाते थे उस ज़ात की कसम जिसने दाना उगाया और जान को पैदा किया हमारे पास अल्लाह की किताब और जो कुछ इस सहीफ़े में है इनके अलावा कोई चीज़ नहीं है यानि कोई एक्स्ट्रा बात कोई एक्स्ट्रा वसीयत हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है ना ही सकीफ़ा बनी सायदा के दिन आपको अगर सीरा याद हो किसी भी ऐसी वसीयत की तरफ को ये एक इशारा भी कभी सईदना अली रदील तहों ने या आपके अहल खाना में से किसी ने भी किया हो ये महज उम्मत में एक तफरुका डालने का प्रोपेगेंडा है बाबुन अतरु का वरसत हु अग्निया खैरुमिन अतकफ़ुन्नास अपने वरसा को मालदार छोड़ना

अपना मामू कहते थे और ये तकरीबन 19 साल के थे जब ये मुसलमान हुए हैं तो इनसे रिवायत है जा अन नबी सल वसलमा यऊदनी व अनबी मक्का था रसोल्ला सल्ह वसलम मेरे पास आए मेरी अयादत करने जबकि मैं मक्का में था वह व यू आमू तबिल अरदिलती हा जराम हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं करते थे कि उसकी वफ़ात उस सरज़मीन में हो जहां से वो हिजरत कर चुके हैं यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद नहीं था हालांकि हिजरत बातिल नहीं हो रही है इससे अब हजरत या फ़तः मक्का का ये वाक़ है और या ये दोनों वक्तों पर पेश आया है दो दफ़ा वल्लाहु आलम लेकिन ये है कि कोई हिजरत बातिल नहीं हुई लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पसंद नहीं था कि अब हम मक्का में यानी जब तक के इस्लाम मक्का में वापस नहीं आया तो वहाँ पे हम दफन हों कल यहाँल्लाबन अफ्रा आब्न अफ़रा पर रहम फरमाए अफ्राग है ये साद की वालदा का नाम है रज़ी कुल्तू या रसोल्ला मैंने कहा है अल्लाह के रसूल ऊसी बीमाल ही कु ही या रसो अल्लाह मैं अपने सारे माल की वसीयत कर दूँ बीमार थे बड़े सख्त और उनको ऐसे लगता था कि मैं नहीं बचूँगा कल ला फरमाया नहीं कुलतु फ शत्रु मैंने कहा अच्छा तो आधे की कॉला फरमाया नहीं कुसलुसु मैंने कहा एक तहाई कला फ़रमाया फलुसु वुलुसु कसीरन के ठीक है एक तहाई कर दो और एक तहाई भी बहुत है इनका आ बेशक ये कि तू छोड़े वर का अग्निया आ अपने बुर को गनी अमीर तुम जाओ तो कुछ मिले उन्हें खैर ये बेहतर है मिन अन्दाहम आलतन कि तुम छोड़ जाओ उनको गरीब या तक का फ़ून ना सफ़ी ए हम और फिर वो हथेलियाँ फैलाते फिरें अपनी लोगों के सामने वा न महमा फ़क्त मिन नफ़ता कोई भी जो भी तुम खर्च करोगे नफ़का फ़ इन्नहा सदकता तो वो सदका ही है हत लुकमतु तरफ उहाफ़ी इम्रति यहाँ तक के वो लुकमा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो वो भी तुम्हारे लिए सदका है वह असल्ला और फिर आपने फ़रमाया और शायद के अल्लाह आई आका के तुझे छोड़े यानी बुलंद करे तुझे फ़ैन तफ़ी अब का और फ़ायदा पहुँचाए नफ़ा पहुँचाए तेरे ज़रिए से लोगों को व्युदर रबी का आखरून और दूसरों को तेरे ज़रिए से नुकसान भी पहुंचाए, वलम यकुल्लहू इल्ला इबनता और उस वक्त अभी तो उनकी सिर्फ एक बेटी ही थी और ये हदीस बहुत कुछ आ, सिखाने वाली हदीस है इसको देख लेते हैं इस हदीस में हमें पता चलता है जब उन्होंने कहा है ना अफादकु बिस माली मैं अपने माल का दो तहाई खर्च कर दूं तो यहाँ पर जो सदक़ा है इससे मुराद वसीयत थी यहाँ हमें इस हदीस से लर्न करने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन अखलाक पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की अयादत की है आप देखिए चाहे वो फतह मक्का थी चाहे वो हज़तुल विदा। मैं सोचती हूँ कि बाज़ात हम सुस्ती कर जाते हैं या हम निबे जात का बनाए हुए हैं लेकिन किसी को पूछने जाना और अपना वक्त निकालना उसके लिए फिजिकली पहुंचना यह सत्तर हज़ार फरिश्तों की दुआओं का बायस बनता है तो हमने इसको बना दिया है व्हाट्सएप पर एक मैसेज का उसको उसका सब्सिट्यूट जो है ना वो इल्ला यह कि कोई चाहे ही ना कि पाए वरना ज़रूर अयादत करनी चाहिए यह नबी की सुन्नतों में से है इससे नबी अलैहि वसल्लम का ए खल्क़ और तवाज़ो मरीज में पता चलती है फिर इसी तरह से अब सात दिन नबी वक्कास ने जिस तरह से ये कहा है कि मेरा ख्याल है कि मैं नहीं बचूंगा या उनको लग रहा था कि मौत करीब है बीमारी इतनी ज्यादा थी तो कभी इंसान अगर शिकवे की नीयत के बगैर अगर अपनी बीमारी का कोई हाल बता लेना तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता फिर इस हदीस में हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मजजा पता चलता है कि आपने गोई की के साथ तुम जिंदा रहोगे और ये पचास साल बाद में ज़िंदा रहे हैं फिर इनके चार बेटे और बारह बेटियां हुई हैं और फिर इन्होंने ईरान फतह किया है कादसिया की जंग के ये सिपा सालार थे फ़ाते ईरान साद बेनबी वकास ही तो हैं तो ये रसोल्ला सल्ला वसलम की मोज़ात में से है आपकी पेशीन गोईयाँ आपके मोजात में से हैं फिर इसी तरह से इस हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि अहल इल्म और अहल ईमान वाले जो लोग होते हैं ना और अमानतदार जो लोग होते हैं अपने किसी इस तरह के फैसलों में उनसे मशवरा कर लेना चाहिए जिन लोगों को आदत होती है कि वो सिर्फ अपने ही फैसलों पर अमल पैरा हों तो वो धोखा खाते हैं वो कभी आ, जो है वो नहीं फ़ायदे में रहते फिर इसी तरह से इस हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि अगर आप किसी को कोई हुक्म देते हैं ना कोई बात कहते हैं तो उसके साथ हमत भी बताएं कि मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ताकि उसमें आपका ये ये फ़ायदा है जैसा कि जब नबी अलैहि वसल्लम ने जब उनको वन थर्ड पे ला के रोका है तो फिर आपने साथ फरमाया वजह यह है कि तुम अपने वुरसा को गनी छोड़ो ये बेहतर है इस बात से कि वो बाद में लोगों के आगे हाथ फैलाते फिरें कितना खूबसूरत अंदाज है कितनी सच्ची खैरख्वाही है और कितना सच्चा ये मशवरा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदनासात बिनी वक्स रदी को दिया है फिर यह है कि वन थर्ड तक की इजाज़त है अफजल क्या है वन थर्ड से थोड़ा कम कर दें इब्न अब्बास आ, कहते हैं रदी अलामां के वन फोर्थ काश के लोग वन फोर्थ पे रुक जाया अर्रुब। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कसीर। और अबू बकर रजील तुओ ने पांचवें हिस्से की वसीयत की थी और उन्होंने कहा क्या था उन्होंने कहा था मैं वसीयत के लिए वो इख्तियार करता हूँ जो अल्लाह ताला ने अपने और अपने रसूल के लिए इख्तियार किया कहाँ से उन्होंने ली बात वालमो अन्लमा गन तुम शैनफ वलिर रसूल के अल्लाह ने वो जो माल गनीमत है उसमें से अपना और अपने रसूल का हिस्सा कितना रखा है पाँचवा बहरहाल ये एक अच्छी जय राय है ज़रूरी नहीं कि आप उसको अपनाएं लेकिन अच्छी राय है फिर इसी तरह से इस अदीज से हमें यह भी पता चलता है कि इंसान अपने वरसा के लिए इतना माल छोड़ जाए जिससे वो गनी हो तो उस इंसान को उसका अजर मिलेगा और इन सारी नेकी के कामों में सबसे ज्यादा जो चीज दरकार है वो है इखलास। इखलास ना हो तो फिर तो कोई इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं है कोई वसीयत कोई नेकी की दौड़ में कर गया या फ़लाने की है तो अब मैं भी करूं उसका नाम बाद में ज़िंदा रहेगा तो मेरा नहीं जिंदा रहेगा और उसके तारीफ़ या होगी या मेरी नहीं होगी तो इससे तो फिर बेहतर है कि इंसान अपना माल या खुद लगाए और या फिर छोड़ जाए अपने भरोसा के लिए इसलिए कि अखलास के, के बग़ैर नकियाँ कबूल नहीं होती अगली हदीस भी यही है इनको देख लेते हैं बाबुल वसीयत बसलुस एक तहाई माल की वसीयत करना वक़ाल अल हसन ला य जुज़ुलिम्मी की अल्लाह अला बिससलुस वक़ाल्हला वनः कम बिन बिमा अल्लाह। हसन बसरी रह फरमाते हैं कि ज़िम्मी के लिए भी एक तहाई से ज़्यादा की वसीत जायज़ नहीं अल्लाह ताली का फ़रमान है आप उनके दरमियन भी उसी हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करें जो अल्लाह ने उतारा यानी ज़िम्मी होते हैं एक मुसलमान मुल्क की रियासत की नॉन मुस्लिम रियाया तो वो भी अगर कोई झगड़ा लेकर आए किसी वसीयत का तो फ़ैसला वन थर्ड वाले हुक्म के तहत होगा इस्लामी अदालत में अगर वो मामला पेश करते हैं तो ये नहीं कि उनको कहा जाएगा कि तुम लोग ज़्यादा कर लो और आ, हम तो वन थर्ड के ही रहते हैं वो भी वन थर्ड पर ही अमल पैरा होंगे قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عربه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غد الناس الى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ابن عباس رضي الله عنهما سيرويته وبكته كاشك لوق وصيه في चौथايت کیونکہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ایک تہائی تک وسیعت کرو وسیعت کی یہ مقدار بھی بہت زیادہ قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله الله يردني على أقبي قال لا الله يرفعك وينفع بك ناسا فقلت اريد ان أوصي وانما لي ابنه فقلت اوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير او كبير واوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم ساد النبي وقاص رديلان هو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں بیمار ہوا तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जिम्मेदारी के लिए تشریف लाए मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे एड़ियों के बल वापस ना कर दे यानी मक्का में मुझे मौत ना आए ये बात हो चुकी पहले कि हिजरत बातिल नहीं हो रही दे didn't want to die in makkah like this आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद अल्लाह ताला तुम्हें दराज़ उम्र दे और लोगों को तुमसे नफा पहुंचाए मैंने अर्ज़ किया मेरा वसीयत करने का इरादा है और मेरी एक ही बेटी है क्या मैं आधे माल की वसीयत कर दूं? आपने फ़रमाया निस्फ माल तो ज़्यादा है मैंने अर्ज़ किया तहाई माल की वसीयत कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाँ सुलूस ठीक है वन थर्ड ठीक है लेकिन सुलूस की मकदार भी ज़्यादा या बड़ी है रावी कहता है कि लोग एक तहाई माल की वसीयत करने लगे क्योंकि तहाई की मकदार को आपने उनके लिए जायज़ करार दिया तो उम्मत का इस अमर पर इजमा है कि जिस मैत का वारिस हो वो एक तहाई से ज़्यादा वसीयत उससे ज़्यादा वसीयत करना उसके लिए जायज़ नहीं लेकिन अगर किसी का कोई वारिस ही ना हो तो क्या एक तहाई से ज़्यादा की वसीयत की जा सकती है या नहीं तो इसमें दो आ रहा है मेजॉरिटी की राय ये है कि तहाई माल से ज़्यादा वसीयत करना किसी सूरत भी जायज़ नहीं किसी के पास वरसा हो चाहे ना हो बहर हाल जो आ, हनफी स्कूल ऑफ थाट है और मज़ीद कुछ और जो हैं वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ही कोई वारिस ना हो किसी का तो ऐसे इंसान के लिए जायज़ है कि वो एक तहाई से ज़्यादा वसीयत कर ले क्योंकि वसीयत जो एक तहाई पे रोकी गई है वो वरसा के हकूक़ ही को तो प्रोटेक्ट करने के लिए रोकी गई है लेकिन अगर दूर दूर तक कोई वरसा है ही नहीं तो फिर तो वो कर सकता है और फिर ये वाजे होना चाहिए कि वसीयत किसी बुरे काम की नहीं होनी चाहिए नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सुनन नबन माजा की हदीस है कि अल्लाह ताला ने तुम पर तुम्हारी वफ़ात के वक्त तुम्हारे तहाई माल के बदले तुम्हारी नेकियों में इजाफे का सदक़ा किया है ताकि वो इसके ज़रिए से तुम्हारे अच्छे अहमाल में इजाफा करे यानी वसीयत हो तो फिर ऐसी कि जो बिल्कुल एंड में इंसान ये एक बोनस के तौर पर साथ ले जा रहा है अब चीज़ वरना आप देखिए कि वरना तो वो ले जा ही नहीं सकता ना लेकिन ऐसे में फिर ऐसे ना हो जाए कि वसा का कोई हक मारे और यह हदीस इस बात का सबूत है कि एक तहाई माल की वसीयत नेकियों में इजाफे का बायस है और गुनाह के काम में वसीयत करना तो जायज़ ही नहीं क्योंकि किताब सुन्नत ने गुनाह से बचने का हुक्म दिया है बहरहाल इमाम बुखारी ने एक तहाई माल की मशरूत को यहाँ बयान किया है अगर वसा फ़कीर हों तो बेहतर है कि तहाई माल से कम की वसीयत की जाए जैसा कि रदीला नुमा का इर्शाद है अगर वह मालदार हैं तो फिर तहाई माल तक वसीयत की गुंजाइश है बारकल्ल हफीकम سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته